बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर सब्जेक्ट टोपोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ केमिकल ग्राफ्स। हियर इज द आउटलाइन ऑफ आवर सेकंड लेक्चर। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टोपोलॉजिकल इंडेक्स, देन डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस, डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस, एंड इन द एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस सब्जेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव फर्स्ट द इंट्रोडक्शन। A topological index is a number that is associated to a molecule, and this number is gained through the molecular graph derived from that molecular structure. हमारे पास हम ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि topological index जो है वो एक number है जो कि एक molecule के साथ attach होता है या assign होता है, और ये number जो है molecular graph के ज़रिए हासिल करते हैं। Suppose we have here we have a molecule like C suppose this is a molecule, we convert first it into a molecular graph like so this is its molecular graph. Now we apply some mathematical definition of topological index. हम इस पर अब इंडेक्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और उसके ज़रिए ये एक मॉलिक्यूलर ग्राफ जो है वो हमें एक नंबर दे देगा। दिस इज़ अ नंबर, दिस नंबर कुड बी रियल पॉजिटिव और नेगेटिव एनी नंबर। सो ये जो नंबर है ये इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाएगा, और इस नंबर की मदद से वी कैन प्रेडिक्ट सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सो टोपोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि टोपोलॉजिकल इंडेक्स कन्वर्ट अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनटू अ नंबर, एंड विद दैट नंबर वी कैन प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इन केमिस्ट्री द टोपोलॉजिकल इंडेसेस आर वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स। स्ट्रक्चर की बेस स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हम इन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, एक्टिविटी प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं, और उसके अंदर जो हमारी हेल्प करता है वो टोपोलॉजिकल इंडेक्स करता है। इस स्टडी को हम QSPR और QSAR कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सो देर आर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजिकल इंडिसेस। वैसे हमारे पास टोपोलॉजिकल इंडिसेस जो है वो बेशुमार किस्म के एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक हमारे पास एनर्जी बेस्ड इंडिसेस होते हैं, हमारे पास मिक्सड होते हैं, लेकिन जो मेनली यूज जो होते हैं डिस्कस होते हैं वो हमारे पास है डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस और डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वाइनर इंडेक्स। वाइनर इंडेक्स इज अ डिग्री इज अ डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडेक्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड और प्रपोज्ड बाय अ केमिस्ट वेनर इन 1947। द केमिस्ट वेनर वाज वर्किंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्केन्स आइसोमर्स, एंड ही नोटिस दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन हैज सम रिलेशन विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। तो जो वेनर है वो वर्किंग कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहा था अल्केन के, तो उसने ऑब्जर्व किया कि अल्केन के स्ट्रक्चर और अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो है वो किसी तरह का रिलेशन जो है वो कायम किया जा सकता है। तो ही इंट्रोड्यूस द डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडेक्स नेम्ड एज वेनर इंडेक्स। अप टू नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टोपोलॉजिकल इंडेसिस हैव बीन डेवलप्ड, इंट्रोड्यूस्ड, प्रपोज्ड, बट उन सब में से बहुत कम ऐसे हैं, चंद एक ऐसे टोपोलॉजिकल इंडिसेस हैं जो कि केमिस्ट के लिए ज़्यादा यूजफुल साबित हुए हैं। तो जब कोई नया टोपोलॉजिकल इंडेक्स जो इंट्रोड्यूस होता है उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अदरवाइज अगर उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको हम एक जस्ट ग्राफ पैरामीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उसकी टोपोलॉजिकली कोई प्रॉपर्टी हम नहीं देख पा रहे। लाइक
इसके अलावा जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर हमने पहले डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई इसकी एप्लीकेशन केमिस्ट्री में नहीं है तो हमारे लिए एक पैरामीटर है लाइक नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम डिग्री, ये भी हमारे पास पैरामीटर है। इसी तरह का वो एक पैरामीटर होगा अगर उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस। As we discussed, there are two types, major types, degree based and distance based. Among those, degree based topological indices are comparatively easy to study and they have good relations with some physical and chemical properties. So, degree based topological indices are studied first and widely instead of distance. For a degree based topological indices, we have a generalized formula T for topological to define a topological index like Ti topological index of a graph G is equal to summation of PQ is an edge in G and F is a function. So we are defining topological index as a function of degrees of P and degrees of Q, where P and Q is the n vertices of degrees of n vertices of edge. So here we are representing topological index by a general notation. F is a function which can be vary, which can alternate or change according to the definition of a topological index. Of course, here dv is the degree, graph is undirected and simple. So this is general notation. So first we one of the oldest and most useful and popular topological index named Zagreb indices, first and second Zagreb indices defined by the chemist and mathematician Gutmann and Trinajasti. The definition of the first and second Zagreb index is M1 of G is the first Zagreb index is equal to summation of the square of the degrees of all vertices in a graph G. हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर आपके पास जितने भी वर्सेस हैं उन वर्सेस की डिग्री का स्केयर करना है, सम करना है, हमारे पास एक नंबर आएगा उसको हम फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स का नाम दे देंगे। सेकंड जैगरिप इंडेक्स जो है वो डिफाइंड है एच सेट के ऊपर। इसमें क्या होगा, हमारे ग्राफ में जितनी भी एजेस हैं उन एजेस के एन वर्सेस की डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करना है और हर एज के लिए काम करना है और उसके बाद इन सब को हमने सम कर लेना है, एडिशन कर लेना है, हमारे पास एक्स नंबर आएगा, वो हमारे पास सेकंड जैगरिप इंडेक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जैगरिप इंडेक्स की डेफिनेशंस हैं और ये इंडेसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं और इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। तकरीबन इनको डिफाइन हुए या इन पे वर्किंग करते हुए अबाउट 40 प्लस ईयर्स जो हैं वो हो चुके हैं। फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स की हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जिसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लाइक M1 ऑफ G इज इक्वल समेशन UV इज एन एज। So instead the scaring the degree of the vertices, here we are adding the degree of n vertices of each edge. You can see the first Zagreb index alternately defined on S set and du plus dv here. So this is another definition of first Zagreb index. Here is an example. From this example we try to understand the definition of the first Zagreb index. This is the definition of the first Zagreb index, sum of the squares of the degrees of vertices in a graph G. We can see in our graph we have 7 vertices, V1, V2, V3, V4, V5, V6 and a V. So we have to consider the degrees of 7 vertices, or there are 7 terms in this summation. Degree of V1 square plus degree of V2 square up to degree of V6 plus degree of V. You can notice that the degree of V1 is 1, degree of V2 is 1, so on, degree of V6 is 1, and the degree of V is 5, 6. So put these values in this equation, we have V1, degree of V1 square, V2 square, V3 square, and so on, degree of V square, and just simplify, we got answer 42. So the first Zagreb index of this graph is 42. Now we move to the definition or example on second Zagreb index. Here we use the degrees of each edge. So first consider that
edge v1 edge between v1 and v. This is the edge between v1 and v. You can see that the degree of one end is 1 and the second end is 6. So degree of here is 1 and the degree of here is 6. Similarly, degree of v2 is 1 and the degree of v is 6. Similarly, 1 multiplied by 6, 1 multiplied by 6, and 1 multiplied by 6, 1 multiplied by 6. Fortunately, the example is very easy. So each term is, there are 6 terms because we have 6 edges. So there are 6 terms in this summation, and each term is 1 multiplied by 6. So the answer is 36. You can see that M1 of this graph is 42, while the M2 is 36. So this is the example for first Zagreb index. The multiplicative version of these Zagreb indices is defined as product of the square of the degrees of each vertex in the graph is the first multiplicative Zagreb index. Here in the second Zagreb index, classical Zagreb index, if we replace summation by product, so this is the second multiplicative Zagreb index. These topological indices have their own application in chemical graph theory. So similarly, Naromi and Katayama establish an index by taking the product of all vertices of degree. This is called the Naromi-Katayama index, which is the simplified version of 3. In 3 we have square, while in 5 in Naromi-Katayama index we don't have square. So we can easily find the first, second multiplicative and Naromi-Katayama index of the previous example, as we did for in the case of classical first and Zagreb index. Next, we have another very famous and useful topological index is Rankine index. Hum isko product connectivity index bhi kehte hain. Rankine is also a chemist who introduced this, and the definition of this topological index is given as summation of 1 over reciprocal square root degree of u multiplied degree of v for each edge in G. And Bolobos in 98 replace this square root by any real number alpha, of course non-zero real number alpha, and define this is as the generalized or general Rankine index. So if we replace -1/2 by any non-zero real number, we obtain general Rankine index. The general zeroth order general Rankine index is defined as 0 r alpha of g, here degree or power of is alpha, any non-zero number. This is the zeroth order general Rankine index. Of course, if we replace alpha by 2, agar hum alpha ko 2 lenge to aap देखेंगे ये हमारे पास फर्स्ट Zagreb इंडेक्स की डेफिनेशन बन जाएगी. इसी तरह अल्फा को अगर हम रिप्लेस करते हैं 3 के साथ, अल्फा इज 3, तो हमारे पास ये फॉरगॉटन इंडेक्स की डेफिनेशन बन जाएगी. इन दोनों इंडेक्सेस की डेफिनेटली अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं केमिस्ट्री में, जिनको हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करते हैं. लाइक एक जीरो थोड़ा जनरल रेटिंग इंडेक्स है, इसके बाद अल्फा को हम स्पेसिफिक कर लेते हैं 2 या 3, तो वो हमारे पास एक और इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास जनरल Zagreb टोपोलॉजिकल इंडेक्स है. एम अल्फा ऑफ जी इज समेशन ऑन एस सेट ऑफ जी डी रेज टू पावर अल्फा माइनस वन ऑफ यू प्लस डी रेज टू पावर अल्फा माइनस वन ऑफ वी. ये हमारे पास एक जनरलाइज डेफिनेशन है जनरल Zagreb इंडेक्स की, जो कि एच सेट के ऊपर हमने डिफाइन की हुई है. So we have some open slide quiz. Compute the forgotten index, compute the general Rankine index for some classes of graphs. Here we have P8 star graph on 10 vertices and C6 cycle graph on C6. So you should try this. आप इनको इन एक्सरसाइज को ट्राई करें, और जो भी आपका आंसर है आप शेयर करें, कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं या आप इंडिविजुअली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है कि जो आप डेफिनेशन रीड कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स की, उसके लिए आप 2-3 एग्जांपल जो है वो खुद से ट्राई करें. ऑफकोर्स ये आपके लिए आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन है और ग्राफ आपके पास स्पेसिफिक हैं, तो आप ईजिली ये काम कर सकते हैं.
कुछ और डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जिन पे काम हो चुका है. सम कनेक्टिविटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज काई ऑफ जी इज समेशन वन ओवर डी यू प्लस डी वी स्क्वायर रूट. अगर हमने देखा था लास्ट स्लाइड्स में कि या अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो ये हमारे पास रेंडिक इंडेक्स बन गया था. तो हमने कि बेसिकली किया कि रेंडिक इंडेक्स में मल्टीप्लीकेशन के बजाय हमने एडिशन को रिप्लेस किया तो हमारे पास सम कनेक्टिविटी इंडेक्स आ गया. इसी तरह सम कनेक्टिविटी इंडेक्स का एक और वर्जन है जिसे हम हारमोनिक इंडेक्स कहते हैं. हारमोनिक इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन यू वी ऑन एच सेट टू ओवर डी यू प्लस डी वी. इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं टू इंटू काई माइनस वन ऑफ जी बिकॉज हेयर पावर इज माइनस वन. इसी तरह हमारे पास अगर हम सम कनेक्टिविटी इंडेक्स में स्क्वायर रूट माइनस वन और टू को एनी जीरो नॉन जीरो रियल नंबर से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जनरल सम कनेक्टिविटी इंडेक्स आ जाएगा. कोशिश की गई है कि हर इंडेक्स के साथ वी गिव सम रेफरेंस सो दैट इंटरेस्टेड स्टूडेंट और कैंडिडेट कैन रीड कैन फॉलो दोज आर्टिकल्स फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कि आप उन पेपर्स में उन रेफरेंसेस में जाके फर्दर इन इंडेक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं जो भी रेफरेंस साथ हमने प्रोवाइड किए हुए हैं. सो वी हैव सम एक्सरसाइज कम्प्यूट द ऑर्डर. ऑफकोर्स जब भी आपको कोई ग्राफ गिवन होगा उसके लिए आपने पहले ऑर्डर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है एंड देन फाइंड द फर्स्ट मल्टीप्लीकेटिव ज़ैग्रेब इंडेक्स ऑफ आर्बिटल मेडिसिनल स्ट्रक्चर. ऑफकोर्स दिस स्ट्रक्चर इज टेकन फ्रॉम 16 रेफरेंस. तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ है, इसका आपने ऑर्डर और साइज फाइंड करना है और उसके बाद फर्स्ट मल्टीप्लीकेटिव ज़ैग्रेब इंडेक्स फाइंड करना है एंड प्लीज शेयर योर आंसर मस्ट फॉर प्रैक्टिस. Exercise 2, of course, find the order, size and second multiplicative Zagreb index. This is the chloroquine medicinal structure. Or there's no restriction. You can also find other topological indices like Naromi-Katayama index, Randic index, sum connective index for these structures, these molecular structures. Here is the third exercise, compute Randic index, of course this is alpha, with alpha, of this molecular structure. And the compute the forgotten index for the thalphamine medicinal structure. Of course, I will suggest you to also compute the order and the size for your practice. So these were the some topological degree based topological indices that we discussed. There are a lot of other degree based topological indices. Of course, we did not cover all the degree based topological indices. An interested candidate can find other degree based topological indices from Google or some other source of literature. So now we move to the distance-based topological indices. Of course, there will be many distance-based topological indices. We will discuss the most useful and the most popular one. So first we move from start from the Wiener index of a graph G. Vg is equal to v1, v2 up to v1. A graph of G have order n with vertices v1, v2 up to vn. And the Wiener index is defined as the sum of distances between all unordered pair of vertices of G. Here is the term is very important, all unordered pair. Unordered mean u, v are two vertices. That means the distance between UV and VU, we will count it once, not twice. जब हमने U से V का distance find कर लिया है, count कर लिया, तो हम V से U के distance को count नहीं करेंगे. So हमने तमाम अपने graph के तमाम unordered pair का vertices के दरमियान distance find करना है, उनको sum कर लेना, तो हमारे पास Wiener index आ जाएगा. ये वहाँ पर definition है, summation I J 1 varies from 1 to n and distance between VI and VJ. हमारे पास एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ के हर दो वर्सेस के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और उन डिस्टेंस को हमने ऐड कर लेना है, तो फाइनली हमारे पास एक नंबर मिलेगा जिसे हम विनर इंडेक्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर विनर इंडेक्स. इज जस्ट सम जनरलाइजेशन ऑफ द क्लासिकल विनर इंडेक्स.
डब्ल्यू डब्ल्यू जी इज द हाइपर विनर इंडेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ ऑफ विनर इंडेक्स ऑफ जी प्लस हाफ ऑफ स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑल अनऑर्डर पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ जी. सो दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म इन द हाइपर विनर इंडेक्स एंड दिस और द होल स्टेटमेंट इज अबाउट द हाइपर विनर इंडेक्स. दिस इज अगेन अ डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडेक्स. Here we have a definition, example of Wiener index. The graph is similar as we discussed in our previous degree based topological indices. Anyway, so first step is we fix V1 and find all the distances among V1 and other vertices. Of course, here VI is not equal to 1. So this row representing the distance from V1 to other vertices. Like V2, V3, V4, V6 and V. You can see the distance between V1 and V is 1, distance between V1 and V2 is 2, distance between V1 and V3 is 2, similarly V4, V5 and V6. The second row is about distance between V2 and VI. Here I is not equal to 1 and 2 because हम V1 और V2 का जो distance है वो already यहाँ पे हम find कर चुके हैं, इसलिए V1 और V2 के distance को हम दोबारा count नहीं करेंगे. So ये है हमारे पास V आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा V3, V4, इसी तरह V5, V6. So second row जो हमारे पास आ जाएगी, third row जो हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा V3 और VI के दरमियान distance. Of course यहाँ पे I जो है वो हमारे पास 1, 2 और 3 नहीं होगा. I is not equal to 1, 2 and 3. So next is DV4 and VI. Distance between V5, VI. And the last one is about V6 and V. So this is our calculation about the Wiener index, and when we calculate all this we will get the answer is 36. Distance based topological index named as Harare index. Harare index is the reciprocal of the distance. इन विनर इंडेक्स में हमने क्या किया, डिस्टेंसेस को ऐड किया था. हरारे इंडेक्स में हमने डिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल लिया और फिर हम उनका एडिशन करेंगे. ऑफ कोर्स द डिस्टेंस जो है वो ऑल अनऑर्डर्ड पेयर के दरमियान होगा ग्राफ के. तो द हरारे इंडेक्स इज डिफाइंड एज लाइक दिस. उसके बाद एरान मुनेश ने हरारे इंडेक्स की दो मॉडिफिकेशन डिफाइन की, एडिटिवली हरारे इंडेक्स एंड मल्टीप्लिकेटिवली. एडिटिवली हरारे इंडेक्स में उसने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस द डिग्रीज ऑफ दोज अनऑर्डर्ड पेयर विच वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस. मतलब कि हम जिन दो वर्सेज के दरमियान डिस्टेंस ले रहे हैं उन्हीं दो वर्सेज की डिग्री को हमने ऐड कर लेना है. तो ये हमारे पास होगा एडिटिवली हरारे इंडेक्स. और इसी तरह इसका एक और वर्जन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव हरारे इंडेक्स. हमने एडिटिव में दोनों डिग्रीज को ऐड किया था मल्टीप्लिकेशन के. मल्टीप्लिकेटिव हरारे में हमने डिग्रीज को मल्टीप्लाई करना है और रेसिप्रोकल में हमारे पास इसी तरह डिस्टेंस आ जाएगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव हरारे इंडेक्स. सो वी हैव एग्जांपल से हम जरा हरारे इंडेक्स को समझने की ट्राई करते हैं. अगेन टर्मिनोलॉजी इज सेम, मेथोडोलॉजी इज सेम. वी फिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम V1 डिस्टेंस बिटवीन हेयर V1 एंड अदर VIs. हमने एक मैंने V1 को पहले सबसे पहले फिक्स कर लिया और V1 से बाकी तमाम डिस्टेंस जो है हमने फाइंड कर ली है. लाइक हमारे पास ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो V3, आप देख सकते हैं V1 और V3 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 है. इसी तरह V1 से लेके V4, V5 एंड V2 ये डिस्टेंसेज जो हैं ये 2 हैं. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 हैं डिस्टेंसेज, ये हमारे पास इन वर्सेस की मदद से आ रहे हैं V2, V4 और V5 की मदद से. इनफैक्ट ये जो V6 है ये भी हमारे पास 2 ही है. ठीक हो गया. इसके बाद जो दो टर्म हमारे पास आ रही हैं V7 और V8 वर्सेस की मदद से जो हमारे पास टर्म्स आएंगी वो आएंगी 1/3, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगा. तो V1 के डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इस रो में मौजूद है. इसी तरह हम बात करेंगे V1 के बाद हम V3 की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो V3 में हमारे पास क्या किया आप देख सकते हैं,
सॉरी वी थ्री से पहले हम बात करेंगे वी टू की, यहाँ पे हम वी टू करेंगे ऑफ कोर्स। वी टू में आप देख सकते हैं कि वी टू में अगर मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके मैनेज करना चाहूँ, वी टू मैं यहाँ से रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने वी टू को फिक्स कर लिया पहले, ठीक है। वी टू और वी थ्री के दरमियान आप डिस्टेंस देख सकते हैं वन मौजूद है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये डिस्टेंस वी थ्री का आ गया, और फ्रॉम वी टू टू वी सिक्स यू कैन सी वी सिक्स वी फाइव एंड वी फोर दीज डिस्टेंस आर टू, सो दिस इज वन बाई टू, वी सिक्स अगेन वी फाइव एंड वी फोर। इसी तरह वी टू से डिस्टेंस आप देखेंगे सेवन और एट का, तो आपको मिलेगा वन ओवर थ्री। तो इसी तरह बाकी वर्सेज को भी हम लेके चले हैं, लाइक वी थ्री हमने फिक्स किया, बाकी हमने वर्सेज लिए, तो आप देख सकते हैं कि वी थ्री से डिस्टेंस जो वी सिक्स का वी फाइव का और वी फोर का वन है। तो ये जो तीन टर्म्स आई हैं ये हमारे पास वी सिक्स वी फाइव और वी फोर की मदद से वजह से आई हैं, और बाकी वी सेवन और वी एट की वजह से जो टर्म्स आई हैं वो हमारे पास वन ओवर टू हैं। तो इसी तरह हमने नेक्स्ट हमने वी फोर लिया है, वी फाइव एंड सो फाइनली इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा जब आप इन तमाम टर्म्स को ऐड करेंगे तो 16.6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये गिवन ग्राफ था, इसका हमने हरारत इंडेक्स फाइंड किया, ये हमारे पास है 16.66। द कैलकुलेशन इज सिमिलर टू द वाइनर इंडेक्स बट द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आर टोटली चेंज बिकॉज विनर इंडेक्स में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास रेसिप्रोकल नहीं होता, और जब हमारे पास कोई नंबर रेसिप्रोकल में आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एसेंट्रिसिटी बेस्ड लॉजिकल इंडिसेस है हमारे पास, कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एसेंट्रिसिटी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो शर्मा गोस्वामी एंड मदन इंट्रोड्यूस द एडजेसेंसी कम डिस्टेंस बेस्ड लॉजिकल इंडिसेस कॉल्ड एसेंट्रिक कनेक्टिविटी इंडेक्स। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ग्राफ के तमाम वर्सेस की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और डिग्री फाइंड करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये काम हमने हर वर्टेक्स के लिए करना है और तमाम आंसर को हमने सम कर लेना है, तो हमारे पास सम कनेक्टिविटी इंडेक्स बन जाएगा। टोटल सेंट्रिसिटी इंडेक्स में हम क्या करेंगे, ग्राफ के तमाम वर्टेक्स की सेंट्रिसिटीज फाइंड करेंगे, उनको सम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल सेंट्रिसिटी इंडेक्स आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास टोटल सेंट्रिसिटी इंडेक्स है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं आएगा, ये हमारे पास सेंट्रिक कनेक्टिविटी इंडेक्स है। तो ये हमारे पास जो दो डेफिनेशन हैं एसेंट्रिक कनेक्टिविटी इंडिसेस की, जो एसेंट्रिक बेस इंडिसेस हैं। इसके अलावा बेशुमार किस्म के एसेंट्रिक बेस एसेंट्रिसिटी बेस इंडिसेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि आप लिटरेचर में आपको इजीली अवेलेबल है, मिल सकते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं एसेंट्रिक कनेक्टिविटी इंडेक्स को। अगेन आप देख सकते हैं वी वन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वी वन की डिग्री की बात करते हैं, वी वन की डिग्री जो है वो हमारे पास वन है। और अगर हम एसेंट्रिसिटी की बात करें, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में जब हम हरारे इंडेक्स फाइंड कर रहे थे सेम ग्राफ का, तो हमारे पास जो वी वन का डिस्टेंस आया था वो वी सेवन या वी एट के साथ आया था मैक्सिमम, और डिस्टेंस था थ्री। तो इस वी वन की जो एसेंट्रिसिटी होगी वो हमारे पास हो जाएगी थ्री, डिग्री है वन, तो ये जो पहली टर्म आई है ये हमारे पास आई है वी वन की मदद से। इसी तरह हम बात करेंगे वी टू की, तो वी टू की अगर हम बात करें तो वी टू की आप देख सकते हैं डिग्री अगेन वन है, और जो इसकी एसेंट्रिसिटी है जो मैक्सिमम डिस्टेंस आया था लास्ट हमने एग्जांपल में देखा था हरारे इंडेक्स को फाइंड करते हुए, वो भी हमारे पास थ्री था, तो ये हमारे पास वी टू आ गया। जब हम बात करेंगे वी थ्री की, तो आप देख सकते हैं वी थ्री की इस वक्त डिग्री कितनी है, फाइव, बिकॉज फाइव एजिस आर इंसिडेंट विथ वी थ्री। तो वी थ्री की जो हमारे पास डिग्री है वो फाइव है, और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास टू है, तो ये जो हमारे पास टर्म आई है वो हमारे पास वी थ्री की मदद से है। सिमिलरली वी फोर है हमारे पास वी फाइव है, वी सेवन वी एट एंड सो ऑन। तो जब आप ये तमाम टर्म फाइंड कर लेंगे उनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास एसेंट्रिक कनेक्टिविटी इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास इस ग्राफ का। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ डिग्री बेस्ड इंडिसेस को डिफाइन किया है, कुछ डिस्टेंस बेस्ड इंडिसेस को उसकी डेफिनेशन देखी है, और उसके साथ साथ हमने एग्जांपल भी किए हैं कि हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने साथ साथ एक एक एग्जांपल भी साथ लेके चले हैं। तो आप इस सारे प्रोसीजर को अगर समझ लेंगे, ट्राई करें, तो बेसिकली टोपोलॉजिकल इंडेक्स क्या कर रहा होता है, इस सारे प्रोसेस में टोपोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो आपके मॉलिक्यूल को, आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है।
और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बेशुमार डेफिनेशन मौजूद हैं, जो कि अभी हमने देखी, जैग्रिब इंडेक्स हो सकता है, विनर इंडेक्स होता है हो सकता है, हरारे विनर इंडेक्स हो सकता है, एसएनटी कनेक्टिविटी या इससे रिलेटेड कोई भी इंडेक्स हो सकता है। तो बेसिकली मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक नंबर के अंदर, नंबर के अंदर, और ये नंबर जो है उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकता है। बेसिकली टोपोलॉजिकल इंडेक्स को हम कंप्यूट करते हैं, तो हम इस तरह कंप्यूट कर सकते हैं जिस तरह हमने अपनी एग्जाम्पल में डिस्कस किया। सो इन द लास्ट पास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर टू वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन, मतलब हम ये जो काम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका हमें बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजिकल इंडेक्स आवर लास्ट टॉपिक इन सेकेंड लेक्चर। मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर प्रडिक्शन वेरियस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग टोपोलॉजिकल इंडेक्सेज, हेडिंग हमें यह कह रही है कि हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं टोपोलॉजिकल इंडेक्सेज को यूज़ करते हुए, जिसकी मदद से हम इन मैथमेटिकल मॉडल मॉडल्स की मदद से हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं। सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रडिक्टेड बाई यूजिंग विनर इंडेक्स, मतलब ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हमने विनर इंडेक्स को यूज़ किया है, और ये मैथमेटिकल मॉडल जो है अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट को प्रडिक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और इसके बारे में मज़ीद आप डिटेल लेना चाहें तो हमारे ले सकते हैं अपने रेफरेंस 23 से। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रडिक्टेड बाई यूजिंग दिस मैथमेटिकल मॉडल, एंड अगेन हेयर ऑथर यूज हेयर विनर इंडेक्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमें प्राइमरी अमाइंस या अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें हर बार एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मैथमेटिकल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आप कुछ मैथमेटिक्स को अप्लाई करेंगे और आप बॉइलिंग पॉइंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से होगा क्या, इसको यूज़ करने से हम ये हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसके लिए टाइम टेकिंग काम होता है और इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली ये टोपोलॉजिकल इंडेक्स को यूज़ करके आप रिसोर्सेज बचा सकते हैं, हम अपना टाइम बचा सकते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है अगर इन चीज़ों को ठीक तरह से हम यूटिलाइज करें तो, क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फंडिंग के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एनीवे दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ द विनर इंडेक्स। सो नेक्स्ट मूव लेट्स सी सम अदर एप्लीकेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन कैन बी प्रडिक्टेड बाई यूजिंग द जर्नल विनर इंडेक्स, हमने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में कुछ जर्नल टोपोलॉजिकल इंडेक्स डिफाइन किए हैं, लाइक जर्नल रैंडिक इंडेक्स, जीरो थर्ड जर्नल रैंडिक इंडेक्स एंड जर्नल सम कनेक्टिविटी इंडेक्स। इसी तरह विनर इंडेक्स की भी जर्नलाइजेशन है, वहाँ पर हमने क्या करना होता है, समेशन समेशन रेज टू पावर अल्फा, अल्फा इज एनी नॉन जीरो नंबर, वी कैन से दैट अल्फा डिस्टेंस बिटवीन वी आई एंड वी जे, समेशन ऑफ कोर्स वी आई वी जे सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ थ्री। तो दिस इज द जर्नल विनर इंडेक्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन कर सकते हैं जब हम अल्फा को पुट करेंगे, व्हेन अल्फा इज 0.1775 तो हमारे पास ये मैथमेटिकल मॉडल आएगा, और ये मैथमेटिकल मॉडल जो है हमारे पास बस अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड करने के में हेल्प हो सकता है। टॉक्सिटी ऑफ एलिपैथिक कैन बी प्रडिक्टेड बाई यूजिंग दी सम कनेक्टिविटी इंडेक्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन अगेन कैन बी प्रडिक्ट बाई यूजिंग द रैंडिक इंडेक्स by using the sum connectivity index. Next, boiling point of 35 nonane can be predicted by using general Rankine index. Molar volume of alkanes can be determined by using general Rankine index. And next, cross sectional area of alcohols can be determined by acetic connectivity index. Again, molar refraction for acetic connectivity index. सो बिफोर गोइंग ऑन द एक्सरसाइज स्लाइड आई जस्ट समराइज के हम ये मैथमेटिकल जो मॉडल जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल बनाने का हमारे पास ये वे होता है कि हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, उन एक्सपेरिमेंटल डाटा
को हम के ऊपर हम कुछ अपने इंडिसेस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद हम कुछ लीनियर रिग्रेशन के टूल यूज़ करते हैं जिनकी मदद से हम ये मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डेवलप करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, कोई इंडेक्स होगा और उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन या कोई और रिग्रेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं जहाँ से हमारे पास ये मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डेवलप होते हैं। ऑफकोर्स देयर इज सम एरर, क्योंकि हम प्रडिक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ एरर भी हो सकते हैं, और हमारे लिए वो टोपोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो हमें सबसे कम एरर दे और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग को भी डिफाइन करे या शो कराए। हमारे लिए ऐसा जो टोपोलॉजिकल इंडेक्स होगा नंबर वन, जिसके अंदर एरर कम से कम हो और वो स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग को भी डिटेक्ट करे, वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। सपोज इस बात के कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल इंडेक्स है, उसको हमने सपोज 10 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई किया और उसने 8 जो कि डिफरेंट है, नॉन आइसोमॉर्फिक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अप्लाई किया और उसमें से 8 का आंसर सेम आया, 8 जो हमारे पास टोपोलॉजिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम आया, तो उसका मतलब ये है कि ये टोपोलॉजिकल इंडेक्स जो है ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहा, स्ट्रक्चर सेंसिटिव नहीं है, तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन थी हमारे पास टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस की। नेक्स्ट वी हैव सम एक्सरसाइज, कंप्यूट द फॉलोइंग इंडेसिस फॉर द ग्राफ ऑफ P9 पाथ और 9 वर्सेस 10 वर्सेस, कंप्लीट ग्राफ ऑन 10 वर्सेस एंड द व्हील ग्राफ ऑन 7 वर्सेस। आई डोंट नो वी डिस्कस व्हील ग्राफ ऑन इन आवर प्रीवियस लेक्चर और नॉट, एनी वे यू कैन फाइंड व्हील ग्राफ ऑन Google or and in some in any book, graphery book. तो आपने क्या से इंडेसिस फाइंड करने, एसेंटिक कनेक्टिविटी इंडेक्स, टोटल एसेंटिक कनेक्टिविटी इंडेक्स, हरारे इंडेक्स, एडिटिवली हरारे इंडेक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव हरारे इंडेक्स आपने फाइंड करना है एक्सरसाइज का, और इसके जो भी आंसर्स होंगे उनको हम अपनी क्लास के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द रेफरेंसेज यूज इन टूडेज लेक्चर। We can say that this is the main paper on the starting of the topological indexes, because this was the paper which we discussed in our today's lecture. कि Wiener the chemist जो था वो जब boiling points पे काम कर रहा था alkane की, तो उसने relationship find किया था boiling point और alkane के structure के अंदर। तो this was the first paper in 1947. तो ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस थे जो हमने आज के लेक्चर में यूज़ किए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।